सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। मार्वल स्टूडियोज की सबसे बड़ी सुपर हीरो फिल्म अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर को भारत में रिलीज होने के लिए कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन मेकर्स ने इस फिल्म की पॉपुलैरिटी को देखते हुए फिल्म की एडवांस बुकिंग काफी पहले शुरू कर दी है। रविवार से इस फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। इससे लगता है कि हॉलीवुड भी अब बॉलीवुड की एडवांस बुकिंग वाली स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहा है, क्योंकि इससे पहले टाइगर जिंदा है और बागी 2 की शुक्रवार को रिलीज डेट से पहले रविवार को ही टिकट की एडवांस बुकिंग ओपन हो गई थी। अवेंजर्स मेकर ने एडवांस बुकिंग को लेकर बॉलीवुड के इस पैतरे को तो अपना लिया है, लेकिन क्या उन्होंने इस समय बॉलीवुड के लिए सबसे बड़े चैलेंज बने आईपीएल इवेंट को नजरअंदाज कर दिया है। बॉलीवुड फिल्म मेकर्स अपनी फिल्मों को रिलीज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी समझदारी दिखाते हुए मेकर्स ने अपनी फिल्मों को आईपीएल 2018 के मौके पर रिलीज नहीं करने का फैसला लिया है। आईपीएल फीवर देश भर में हर साल की तरह इस साल भी चरम पर है और शायद दर्शक इससे बड़ा एंटरटेनमेंट कहीं और नहीं खोजना चाहते। यहां तक कि जो फिल्में आईपीएल से पहले रिलीज हुई और जिनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ग्राफ शानदार रहा, उन फिल्मों की कमाई में भी आईपीएल के आगाज के बाद गिरावट देखने को मिली है। उदाहरण के तौर पर वरुण धवन की फिल्म अक्टूबर। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपनी व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।